अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम दूसरी जमात की उर्दू की किताब में से सबक पढ़ रहे हैं रेलवे स्टेशन। सबसे पहले खास अल्फाज देख लेते हैं। बेचैन, बे आराम, बे सुकून। इंतज़ार गह का मतलब होता है इंतज़ार करने वाली जगह। मुलाजिम, काम करने वाला, नौकर। इंतज़ाम, किसी चीज़ का बंदोबस्त करना, एहतमाम करना। पटरी, पटरी वो रास्ता जहाँ से ट्रेन गुजरती है, यानी रेलगाड़ी गुजरती है। एक दिन उमर अपने अब्बू के साथ जावेद साहब के घर गया। वो रेलवे स्टेशन पर मुलाजिम थे, उनका घर रेलवे स्टेशन के पास था। उमर शरबत पी ही रहा था कि उसको रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ सुनाई दी। वो रेलगाड़ी देखने के लिए बेचैन हो गया। जावेद साहब ने उमर का शौक देख कर कहा, चलो आओ तुम्हें रेलवे स्टेशन की सैर करवाते। उमर अपने अब्बू और जावेद साहब के साथ रेलवे स्टेशन चला गया। जावेद साहब ने सबसे पहले उसे टिकट घर दिखाया। उन्होंने बताया कि मुसाफिर यहाँ से टिकट लेते हैं। वहाँ इंतज़ार गाह भी मौजूद थी, जहाँ मुसाफिर आराम से बैठकर रेलगाड़ी का इंतज़ार कर सकते थे। स्टेशन पर मुसाफिरों के लिए खाने पीने का इंतज़ाम था। पास ही पटरी पर रेलगाड़ी खड़ी थी। ये सब देखकर उमर ने कहा, वाह अब्बू, रेलगाड़ी के सफ़र में तो बहुत मज़ा आता होगा। अब्बू ने कहा, हाँ बहुत मज़ा आता है, इस मर्तबा हम मुल्तान रेलगाड़ी पर जाएंगे। अब हम मशक हल करेंगे और सबसे पहले इसके मुश्किल अल्फाज पढ़ लेते हैं। बेचैन, इंतज़ार का, मुलाजिम, इंतज़ाम, पटरी, शौक, मुसाफिर, आवाज़, शरबत, सीटी की आवाज़, सैर। एक दिन उमर अपने अब्बू के दोस्त जावेद साहब के घर गया। वहाँ इंतज़ार गाह भी मौजूद थी। सवाल नंबर एक है, मुख्तसर जवाब लिखें। उमर अब्बू के साथ कहाँ गया था? उमर अब्बू के साथ उनके दोस्त के घर गया था। जावेद साहब कहाँ मुलाजिम थे? जावेद साहब रेलवे स्टेशन में मुलाजिम थे। उमर क्या देखने के लिए बेचैन हो गया था? इसका जवाब है, उमर रेलगाड़ी देखने के लिए बेचैन हो गया था। उमर गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ जाएगा? उमर गर्मियों की छुट्टियों में मुल्तान जाएगा। सवाल नंबर दो, अल्फाज को मुज़ाद से मिलाएं। अल्फाज हैं आराम दे, इसका मुज़ाद है तकलीफ दे। आसान, आसान का है मुज़ाद मुश्किल। सोना, जागना। जाएं, इसका मुज़ाद है आएं। करीब, दूर। सवाल नंबर तीन, दुरुस्त जुमले के सामने दुरुस्त और गलत जुमले के सामने गलत का निशान लगाएं। नंबर एक, उमर अब्बू के साथ दादा जान के घर गया, गलत। उमर अब्बू के साथ उनके दोस्त के घर जावेद साहब के घर गया। नंबर दो, रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी खड़ी थी, दुरुस्त। नंबर तीन, उमर रेलगाड़ी देखने के लिए बेचैन था, दुरुस्त। नंबर चार, अब्बू ने कहा मौसम गर्मा की छुट्टियों में हम पेशावर घूमने जाएंगे, गलत। अब्बू ने कहा कि मौसम गर्मा की छुट्टियों में हम मुल्तान घूमने जाएंगे। वाहिद जमा, मिसाल के मुताबिक वाहिद को जमा से मिलाएं। वाहिद, तस्वीर, तस्वीरें। आँख, आँखें। चीज़, चीज़ें। किरण, किरने। सड़क, सड़कें। सवाल नंबर दो है, जमा को जुमलों में इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर ये किताब है, ये किताबें हैं। वाहिद, ये चीज़ है, इसकी जमा है ये चीज़ें हैं। ये मेज़ है, ये मेज़ें हैं। ये मस्जिद है, ये मस्जिदें हैं। प्यारे बच्चों, आज के सबक में हमने रेलवे स्टेशन के बारे में पढ़ा है और आप इसके मुश्किल अल्फाज की कॉपी पर लिखकर दोहराई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि क्या आपने भी कभी रेलवे स्टेशन का सफ़र किया है और आपका सफ़र कैसा रहा। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।